जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो अप्रैल में 2023 में एग्ज़ाम देंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन NIOS में क्लास 10th या 12th के लिए हुआ है। उन सभी स्टूडेंट के सामने अभी मान लीजिए कई स्टूडेंट्स का ऐसा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है एडमिशन कन्फर्म हो गया है। जिन बच्चों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस चल रहा है, उन सभी स्टूडेंट को मैं बताऊँ, 13 अक्टूबर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। अगली बात कर रहे हैं हम इन TMA की, जो ये TMA हैं, अब जो स्टूडेंट्स को बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, कैसे इसमें TMA में हम अच्छे से अच्छे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और क्या गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हो, पहली बार जो है NIOS में आए हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपकी बहुत ही जानकारी लायक है। इसको आज हम कोई स्क्रीन में लेके नहीं बना रहे हैं, ये वीडियो नॉर्मल मेरे ऑफिस से जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहीं से मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो आज जो है मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये अभी एक दिखा रहा है कि केमिस्ट्री का है, तो स्टूडेंट ये करना क्या होता है, हमको इस तरीके के पेजेस जो है लेने होते हैं। ये पेजेस आपको मार्केट से मिल जाएंगे, इसमें जो है आपका एक पैकेट जो है हार्डली 10 रुपीज़ के अराउंड आता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको इसमें जो TMA के क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो क्वेश्चन पेपर तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो क्वेश्चन पेपर हम आपको दे देंगे। उसमें आपका क्वेश्चन 6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपके आंसर लिखने होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, और आपको हर क्वेश्चन का एक ही पार्ट करना होता है जो भी आपको बेस्ट आता हो। तो हमने भी क्या करा है, जो ये TMA हम लोगों ने बनाए हैं स्टूडेंट्स के लिए, हैंड रिटन TMA है ये, क्योंकि ऑनलाइन इस बार सबमिट होने हैं, ये सभी को पता है। इसमें जो है हमको हमने वो क्वेश्चन डाला है जिसका आंसर बेस्ट है, जिससे आपकी आसानी से मार्क्स पूरे पूरे मिल सकते हैं। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले ऊपर अपने ऐसे हेडिंग लिख देना है, हेडिंग लिखा है, ये थोड़ा सा जो है रिवर्स में आ रहा है, रिवर्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरा में वीडियो बन रहा है। तो मैं आपको ऐसे वगैरह बता देता हूँ कि केमिस्ट्री जो है आपका मेंशन करना है, उसका कोड मेंशन करना है, और ऊपर लिखना है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन जब लिखोगे तो क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, फिर ब्लैक पेन से लिखने के बाद आपको आंसर सारा जो है ब्लू पेन से होगा। फिर ये इस तरीके से देखिए, ये अलग अलग पेजेस में, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये आपके जनरली डायग्राम के लिए दिए होते हैं, अगर आपका TMA में कोई डायग्राम है तो आपको बनाना है, अदरवाइज नहीं। लेकिन आपको पेज यही वाला यूज़ करना है जिसमें वन साइड लाइन होंगी और दूसरी साइड जो है प्लेन होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल फाइल, कोई असाइनमेंट जैसा बनाते हैं, तो इसके पीछे जो है मार्क ना आ जाए जो आपने लिखा है, क्योंकि हल्का सा भी अगर छाप रह जाता है तो वो फिर आपकी राइटिंग खराब हो जाती है वहाँ पे। तो ये है, तो आपको हर पेज पे जहाँ पे लाइंस हैं वहाँ पे आपको जो है ये लिखना है, और इसके आंसर्स, अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, क्वेश्चन पेपर तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, आंसर अगर आपको चाहिए इसका तो आप हमारे VCIC इंस्टामोजा स्टोर पे जा सकते हैं। आप गूगल में सर्च करिए VCIC गुरुजी इंस्टामोजो, तो वहाँ पर जो है हमारा स्टोर ओपन हो जाएगा। उस स्टोर में अगर आप जाके देखेंगे तो हमने वहाँ पे आपको सॉल्व TMA इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्लास 10th, क्लास 12th और सारे सब्जेक्ट्स के हमने वहाँ पे अपडेट कर दिए। आप जाके जो है अपना जो भी है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो सॉल्व TMA है उसके कुछ नॉमिनल चार्जेस होता है, वो आप स्टोर में भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके हमसे डायरेक्टली ये जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके TMA ले सकते हो। TMA को आपको क्या करना है, इन TMA को देख के आपको अपनी हैंड राइटिंग में जो है बनाना है, उसके बाद ये TMA ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। अब TMA ऑनलाइन सबमिट कैसे किए जाते हैं, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हमको दीजिए, हम आपके TMA आपके डैशबोर्ड में ऑनलाइन अपलोड करके देंगे, जो हम पिछले 2 सेशन से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं जिनको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है स्कैन कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, कितने MB का, कितने KB का फाइल रखना है, तो इन सब दिक्कत से बचने के लिए आप हमें भी दे सकते हो, वो हम आपको अपलोड करके दे देंगे। या फिर अगर आप खुद कर सकते हैं तो इसको देख के बनाइए, बनाने के बाद फिर उसे जो है अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इसका जो लास्ट डेट है तो वो जनवरी है, कि जनवरी तक आपको ये सबमिट करना है TMA, है ना। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि जनवरी है तो इतनी जल्दी हमें क्यों है, हम आराम से सबमिट करेंगे।
तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि देखिए आपको आगे चल के प्रिपरेशन भी करनी है, प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनानी है ना, और एग्ज़ाम का जब तैयारी करनी होती है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, तो समय चाहिए होता है, तो उस वक्त वो समय बहुत वैल्यूबल रहेगा। तो अगर हम अपने जितने भी असाइनमेंट है जितनी जल्दी हो सके अभी बना लेंगे, तो हमको क्या होगा उस समय पर हमारे पास ऐसा टाइम बचेगा जिसमें हम इजीली अपने प्रैक्टिकल फाइल या फिर अपना जो है हम लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अपना टाइम मत वेस्ट करिए, अगर आप क्लास टेंथ या ट्वेल्थ में हो, आपके सारे सब्जेक्ट्स के टीएमए बनने हैं, उन सब्जेक्ट्स को टीएमए को पाने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है भेजिए अपने सब्जेक्ट लिख के, क्लास लिख के और मीडियम लिख के, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आप टीएमए बना के तैयार कर लीजिए, कुछ ही दिनों में अभी आपको अपलोड का ऑप्शन भी आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा, और जैसे ही अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको जो है वहाँ पर टीएमए अपने ऑनलाइन सबमिट कर दें। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, चैनल है हमारा VCIC गुरु जी, आप सभी को बताया अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों तो हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको हमेशा अपडेट रखते हैं हम लोग, आपकी सारी जानकारी आपको एनवाइस की देते हैं ताकि जो है कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो इसी तरीके के वीडियोस के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।